एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल और दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल क्रू, कांस्टेबल ड्राइवर और ट्रेडमैन्स के जो भर्तियाँ होते हैं उसके पे कितना मिलता है, इसी के आधार पर हम बात करेंगे। जो अभी 2022 का जो अभी कांस्टेबल जीडी का जो पोस्ट होते हैं उसी में अभी अंडर ट्रेनिंग है, जो जुलाई महीने का पे स्लिप के आधार पर हम आपको क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे, डीएनए करेंगे, इसके अलाउंसेस कितने होते हैं, टोटल इसका कैश इन हैंड कितना आएगा, पूरा विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, जो है एप्लीकेशन के दौरान जो हमको 21,700 से लेके 69,100 मैट्रिक्स लेवल 3 के आधार पर मिलेंगे बोलते हैं, ये क्या चीज़ है इसके भी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ओके, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जो एसएससी में अप्लाई करना चाहते हैं और जो जॉब कर रहे हैं एसएससी में न्यूली जो रिक्रूट है और साथ में जो आना चाहते हैं सभी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वीडियोस होने वाले हैं, इसीलिए आपको निवेदन करता हूँ काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस प्रकार के पॉजिटिव और जॉब रिगार्डिंग वीडियो अपने मोबाइल में पाने हैं तो। ओके, तब तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो मैट्रिक्स रिवाइज 7 पे कमीशन के आधार पर जो मैट्रिक्स लेवल के बाद पे हम पहले करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो मैट्रिक्स लेवल 3 जो है 21,700 से स्टार्ट होते हैं और जो 2400 रुपये जो है मैट्रिक्स लेवल 4 जो 25,500 रुपये जो है हेड कांस्टेबल के लिए और 29,200 एएसआई के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटी फोर्स में ये मैट्रिक्स लेवल लागू होते हैं। ये जो है हर साल पे तीन बार बढ़ते हैं, एक तो एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा दो बार डीए अर्थात डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलते हैं। अभी आप लोगों को मैं पे स्लिप के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि एक ग्राउंड जो है लेटेस्ट पे स्लिप है जो 2022 का जो भर्ती है एसटीसी अभी ट्रेनिंग सेंटर में है, दो जुलाई महीने के हैं, जो एलसी जो लिटेड कांस्टेबल जो है कांस्टेबल का पोस्ट में है, जो मैट्रिक्स लेवल 3 के जो बताते हैं 3 की आधार पर हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो पे स्लिप है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं, लेकिन ऑल इंडिया जो एसएससी का सेम सैलरी होते, थोड़ा बहुत अलाउंसेस में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। ठीक है, फिलहाल जो बेसिक पे है जो 21,700 रुपया आपको देखने को मिल रहा है और जो डीए डीएनएस अलाउंस और महंगाई भत्ता जो फिलहाल आज के दिन में 34% है, जो 7,378 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। जो डीए है साल में दो बार इंक्रीज होते हैं, एक जुलाई महीने के जनवरी महीने में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये डिटेल इसको करते हैं कि कितना इसको इंक्रीज करेगा। ओके, बाकी जो मैं जो अलाउंसेस है इसमें ये है जो पे स्लिप है ट्रेनिंग सेंटर के है, ट्रेनिंग सेंटर के आधार पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी जो हेयर कट की जो है 45 एवरी मैंने आपको देखने को मिलेगा। आर ए में जो रेशन मनी एडवांस अर्थात मेस कटिंग जो बताते हैं इसको 3,890 रुपये देखने को मिलेगा, जो बहुत ही बढ़िया खाना खाने को मिलता है प्राइमेटी फोर्सेस में। ओके, और साथ में जो आर ए में एरियर होगा, एरियर एस डी ए का अर्थात स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, आर एस ए रिक्स हार्ट अलाउंस और ट्री जो ट्रेनिंग अलाउंस, ये अलाउंसेज वगैरह ड्यूरिंग ट्रेनिंग में देखने को नहीं मिलता। ट्रेनिंग होने के बाद कौन सा लोकेशन में कहाँ जा रहा है उसी की जगह के अनुसार आपको ये आर एस ए वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, बाकी जो एच आर ए की बात करें तो टीपी अलाउंस, ये दोनों अकॉर्डिंग टू लोकेशन अर्थात सिटी के आधार के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे क्लास 1 ए बी सी होते हैं, इसी के आधार पे आपको बेसिक पे के साथ इसको एचआरए भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलते हैं। जैसे फिलहाल ट्रेनिंग सेंटर के 1,953 रुपये देखने को मिले कॉन्स्टेबल जी डी क्रू पोस्ट के लिए और बाकी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2,412 रुपये देखने को मिल रहा है। बाकी जो ड्रेस अलाउंसेस के लिए 10,000 देखने को मिल रहा है, जो साल में एक ही बार जुलाई महीने में देखने को मिलता है। ये जो ड्रेस अलाउंस है कांस्टेबल जीडी से कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक 10,000 है, बाकी असिस्टेंट कमांडेंट से लेके कमांडेंट तक 20,000 ड्रेस अलाउंस देखने को मिलता है। बाकी जो सॉफ्ट टॉयलेट होता है जो 45 रुपीज़ एवरी मंथ देखने को मिलेगा और जो राम अलाउंस है 68 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका एमोलुमेंट्स जो आपको मिलता है। ठीक है, बाकी डिडक्शन की बात करें तो हम डायरेक्ट बात करेंगे जो रिक्रूट कांस्टेबल के बारे में, जो सीएफटी देखने को मिलते हैं अर्थात सेंट्रल प्रोविडेंट फंड अमाउंट होते हैं, जो 2,908 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ये जितना जितना आपको बेसिक पे बढ़ेगा इसी के अनुसार ये सीएफटी का अमाउंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहेगा, ये आपका रिफंडेबल है। ओके, और साथ में जब प्राइवेट डिडक्शन की बात करें तो इसमें वेलफेयर फंड 15 रुपया, एजुकेशन फंड 40 रुपया, बैंड फंड 60 रुपीज़, एसआरएफ 25 रुपीज़, सीमा प्रहरी बीमा योजना जो एसपीबीआई होते हैं, गोल्डन जुबली सुरक्षा कवच जो होते 500 रुपीज़ इसको जो पे इसमें डिडक्शन देखने को मिलता है। ओके, और टोटल आपको बात करें तो हम ग्रोस पे अभी 47,491 रुपीज़ देखने को मिल रहा है जो जुलाई महीने के हैं, जो अभी बंदे अभी 4 महीने हुआ है ट्रेनिंग के। ओके, और टोटल डिडक्शन आपको 2,938 रुपया
आपको टोटल डिडक्शन देखने को मिल रहा है, और जो नेट पे हो गया आपका 44,553 नेट पे है। इसमें प्राइवेट डिडक्शन की भी बात करें तो 640 रुपये प्राइवेट डिडक्शन है। टोटल आपका अमाउंट में पे जा रहा कितना है, 43,913 रुपये देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें जुलाई महीने बोल के 43 देखने को मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट महीने से आपको 10,000 आपका कम हो जाएगा, क्योंकि तब तक 33,913 रुपये देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल 33,913 रुपीज आपको पे देखने को मिलेगा, जो अभी कांस्टेबल जीडी जो लेटेस्ट अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद और एक ह्यूज पे देखने को मिलता है, जैसे एज पर लोकेशन के अनुसार आरएचए रिक्स हर्ट अलाउंस एसडी स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस ऐसे मिलते हैं। जो लोकेशन जैसे कश्मीर हो गया, एनओ नक्सलवादी एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे जगह में 17,000 से लेकर 20,000 तक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। और असम बंगाल गुजरात ऐसे नॉर्मल पीस एरिया में 9,700 से लेकर 4,500 रुपया तक एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।